नमस्कार साथियों, आज मैं आपको HSSC की बहुत बड़ी अपडेट देता हूँ। 56वां का रिजल्ट कब आएगा, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, जो सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 मार्क्स हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यदि मिलेंगे तो डी ग्रुप की कट ऑफ कितनी रहेगी और यदि नहीं मिलेंगे तो कितनी रहेगी। उसके साथ ही जो TGT की एक भर्ती है, 7400 भावी अध्यापक की नियुक्ति होनी है, वो कब होगी, डी ग्रुप के बच्चे उनका सिलेक्शन होगा और उनकी नियुक्ति कब होगी, इनके बारे में मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। देखो, जो 56 और 57 जो सी ग्रुप का जो ग्रुप है, एक तो सबसे बड़ी अपडेट तो यह है कि इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा और 21 फरवरी को जो इनकी हियरिंग है, नेक्स्ट है, उनमें संभवतः इनका परिणाम ही घोषित किया जाएगा। ये सबसे पहली अपडेट ये है कि जो 56-57 ग्रुप है, इनमें लगभग क्या कन्फर्म 12,116 पद हैं दोनों में मिला के, तो इनकी नियुक्ति दी जाएगी और वो नियुक्ति बताता हूं आपको लगभग किस तारीख से पहले पहले इनको नियुक्त किया जाएगा। एक जो TGT की पेंडिंग में है, ठीक है, 7400 वैकेंसी हैं जिनमें भावी अध्यापक बनेंगे, तो ये भी कंफर्म, ये जो जितने भी सारे परिणाम हैं मैं बताता हूं कि 28 फरवरी तक कंफर्म इनके सभी के सी ग्रुप के जितने भी ग्रुप है, जितनी भी भर्तियां हैं, TGT है, इन सबको 28 फरवरी तक इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, श्योर एंड सर्टेन, ठीक है। और 26 फरवरी को जो सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 मार्क्स हैं, 5 नंबर हैं, वो कन्फर्म दिए जाएंगे और दिए जाएंगे वही है जो फैमिली आईडी में मैंने बताया था, फैमिली आईडी में जिसकी जो आय है 1,80,000 से कम है, उनको कन्फर्म 5 नंबर दिए जाएंगे, ये भी तय होता है, ठीक है, क्योंकि एक फैमिली आईडी में ऑनलाइन पता लग जाएगा कि वो चेक चल कर रहे हैं कि 1,80,000 से कम किसकी आय है, उसको 5 नंबर कंफर्म दिए जाएंगे। ये सारे जो जितने भी परिणाम हैं 28 फरवरी तक आने हैं कंफर्म, और जो भी सी ग्रुप के जितने एग्जाम बचे हुए हैं वो भी 28 फरवरी से पहले पहले ही होने हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे डी ग्रुप में भाई मेरिट बहुत नीचे जाएगी, वो क्यों जाएगी, वो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितने भी 12,116 जो पद हैं, इनमें से मैं तो कहता हूं कि ये टोटल के टोटल 70 प्लस वाले हैं, 70 प्लस 17 वो जिस नंबर हैं डी ग्रुप में, सारे 70 प्लस वाले हैं, पर आप मान सकते हो कि 10,000 तो 100% ही हैं, ठीक है। 70 प्लस का भी मैं आपको बताता हूं कि 70 प्लस जो नंबर है वो 5 नंबर शामिल करने के बाद है, तो ये जो 12,116 जो डी ग्रुप में से निकलेंगे जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं, तो एक तो उनके वो 5 नंबर तो वैसे कैंसिल हो गए क्योंकि उन्होंने सी ग्रुप में नंबर ले लिए या उनका दूसरी भर्ती में चले गई, तो 70 अबोव का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि 70 उसके क्वेश्चन बगैर 5 नंबर के नहीं है, ये विद 5 नंबर है ये 70, ठीक है। तो 70 प्लस वाले जब 10,000 बच्चे यहां निकल गए, 70 प्लस वाले यहां TGT में से भी मिनिमम लगा सकते हो 3,000 तो है ही, 3,000 तो कन्फर्म निकलेंगे क्योंकि जो अध्यापक बनेंगे तो 3,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो 70 प्लस वाले हैं। मैं एक बात फिर बताता हूं कि जो ये 70 प्लस वाले जो बच्चे हैं ये विद 5 नंबर ऐड करने के बाद हैं, ना कि इन्होंने 75 क्वेश्चन ठीक किए हैं और फिर 0.95 से गुणा करने के बाद 70 नहीं है ये, ठीक है। ये 70 प्लस वाले या 80 प्लस वाले तो कोई बिरले ही होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत दो बहुत बड़ी भर्तियां हैं जिनके बाद डी ग्रुप की कट ऑफ बहुत नीचे आनी है, तो मे बी मैंने बताया था कि 65 अबव जर्नल वाला कंफर्म सिलेक्शन लेगा डी ग्रुप में, और डी ग्रुप की जो ज्वाइनिंग है वो 1 मार्च को सी ग्रुप, पूरे सी ग्रुप और ये TGT वाले सारे ज्वाइन करवा देंगे 1 मार्च को, और 1 मार्च के बाद में संभवतः 15 मार्च तक डी ग्रुप की कन्फर्म ज्वाइनिंग हो जाएगी,
और मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, चाहे आप मेरा ये देख लेना जब रिजल्ट आए, जब बिल्कुल देख लेना कि 65 से ऊपर जिसके नंबर है जर्नल में वो फाइट करेगा। और ये मत देखो कि 95 में कह रहा हूं, 100 में, मैं 100 में लगा दिए मैंने, ठीक है, 100 में लगा दिए मैंने, 100 में से जिसके 65 से ऊपर नंबर है वो कन्फर्म डी ग्रुप में ज्वाइन करेगा, किसमें, जर्नल में, और उससे नीचे के दो दो नंबर घटाते जाओ। एससी तो मैं बताता हूं कि एससी तो 55 तक ही सेलेक्ट हो जाएगा, हैंडीकैप तो बच्चे उतने हैं ही नहीं, चार गुना ही नहीं है, ठीक है, हैंडीकैप तो शायद सीट है ना, इतने ही बच्चे हैं, हैंडीकैप तो 50 तक ही चला जाएगा फिजिकल हैंडीकैप। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी मंशा है कि डी ग्रुप का रिजल्ट जो कि तैयार रखा है, यदि उनको डी ग्रुप का रिजल्ट लेट विलंब करने का एकमात्र कारण यही है कि वो बच्चे ये छोड़ के निकलेंगे, यहां से जाएंगे डी ग्रुप से, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात है कि 28 फरवरी तक सी ग्रुप के और जो टीजीटी वाले हैं ये दोनों सेलेक्ट करके इनको नियुक्त कर देंगे, उसके बाद फिर डी ग्रुप का रिजल्ट निकलेगा 1 मार्च के बाद, 15 मार्च तक। पोर्टल तो अभी भी कर सकते हैं, वो अब भी कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है, 56,000 को तो कभी, वो तो कभी भी आ सकता है, बट जो फाइनल सिलेक्शन है मैंने बता दिया इन दोनों भर्तियों के बाद होगा, ना तो ये कैंसिल होगा ना ये कैंसिल, ठीक है। 21 तारीख को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मामला रफा दफा हो जाएगा, टीजीटी वालों का 100% 28 फरवरी को रिजल्ट आएगा, ये फैसला भी तुरंत होने वाला है। 26 फरवरी को 5 मार्क वाला होगा, 5 मार्क भी में भी 99% तो यही चल रहा है कि जिसकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम है उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें होने के बाद 65 से ऊपर जिसके नंबर हैं वो जर्नल में फाइट करेगा, क्योंकि 15,000 वैकेंसियां बहुत अधिक होती हैं, ठीक है, बहुत अधिक होती हैं। और अभी तो विधानसभा के चुनाव होने हैं, एक सीईटी 100% और होगा, ठीक है, सीईटी भी होगा और बची हुई, जैसे मान लीजिए कह रहे कि भाई 60,000 भर्तियां करनी है, 60,000 में से तो ये 40,000 भी करेंगे तो 20,000 तो फिर भी बच जाएंगे, ये 20,000 भर्तियां तो विधानसभा के चुनाव से पहले होनी है, उससे पहले सीईटी का एग्जाम होना है कन्फर्म। वो कहते हैं कि जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले तो केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी तैयारी रखना, किताबें मत छोड़ना, नियमित रूप से अपनी दिशा में प्रयास करना। बोलो हमें उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहें, ठीक है, और रिजल्ट आई जब देख लेना, जो मैंने बताई है ये बिल्कुल क्लियर कट मिलेगी आपको। और ये जो डी ग्रुप की जर्नल की 65 से ऊपर वाला 100% फाइट करेगा। धन्यवाद।